दोस्तों, हमारी इस दुनिया में कई बड़े और ताकतवर जानवर रहे हैं और मौजूदा समय में भी हाथी, शेर और गेंडे जैसे जानवर मौजूद है। लेकिन आज की इस वीडियो में हम सिल्वर बैक गोरिल्ला और ग्रिजली बेयर की ताकत की तुलना करेंगे और ये जानेंगे कि दोनों में से ताकतवर जानवर कौन है। लेकिन शुरू करने से पहले हम इन दोनों जानवरों के रंग रूप की बात कर लेते हैं। जैसे कि सिल्वर बैक गोरिल्ला, नाम से ही पता चलता है कि इसका बैक सिल्वर कलर के फर से ढका होता है। लेकिन इन्हें एक और नाम से भी जाना जाता है, जो है माउंटेन गोरिल्ला। लेकिन इन दोनों जानवरों में कुछ एक जैसे समानता है। ये दुनिया के लगभग सभी देशों में पाए जाते हैं, जिनमें से एक वेजिटेरियन है और एक इंसानों की तरह ओमनीवोर। दोनों जानवर साइज में भी अलग होते हैं, लेकिन सिल्वर बैक गोरिल्ला काफी तेज और बहुत ताकतवर होता है। इसके हाथों की लंबाई भालू के तुलना में भी लंबी होती है। लेकिन फिर भी ऐसा कोई तरीका नहीं जिससे सिल्वर बैक लड़ाई में ग्रिजली बेयर को हरा सके, क्योंकि सामान्य तौर पर सिल्वर बैक गोरिल्ला को शांत जानवर माना जाता है, जो कम ही इंसानों पर हमला करते हैं। लेकिन दूसरी तरफ ग्रिजली बेयर काफी आक्रामक होते हैं, जो ज्यादातर इंसानों से दूर ही रहना पसंद करते हैं। लेकिन कैंप साइट और जंगलों में ग्रिजली बेयर अपने बच्चों के लिए इंसानों को बड़ा खतरा मानते हैं। दोनों जानवरों में कुछ जरूरी अंतर है, जैसे आकार। सिल्वर बैक गोरिल्ला 6 फीट लंबा और 485 पाउंड वजनी होता है, वहीं ग्रिजली बेयर 8 फीट लंबा और 800 पाउंड वजनी होता है। सिल्वर बैक गोरिल्ला पहाड़ी जंगलों के लगभग 10,000 फीट की ऊंचाई में पाए जाते हैं, वहीं ग्रिजली बेयर वुडलैंड, जंगल, नदी के आसपास पाए जाते हैं। एक सिल्वर बैक गोरिल्ला लगभग 40 साल तक जी सकता है, वहीं दूसरी तरफ ग्रिजली सिर्फ 25 साल तक ही जीता है। एक वयस्क गोरिल्ला की स्पीड 20 मील प्रति घंटा है, वहीं एक वयस्क भालू 35 मील प्रति घंटे की गति से अपने शिकार का पीछा कर सकता है। गोरिल्ला के दो हाथ, दो पैर और चार उंगलियां होती है, लेकिन भालू के चार पैर होते हैं। इनके बारे में पूछे जाने वाले कुछ सवाल। नंबर 1, सिल्वर बैक गोरिल्ला और ग्रिजली बेयर में क्या अंतर है? सिल्वर बैक गोरिल्ला का वैज्ञानिक नाम गोरिल्ला बी एरिंगोई बेरंगी है और ग्रिजली बेयर का अर्सिस आर्कुटस और बिलिस है। गोरिल्ला प्राइमेट है और ग्रिजली कार्निवोर है। ग्रिजली बेयर बड़े और अधिक खतरनाक होते हैं, जबकि गोरिल्ला फल, पौधों और कीड़ों को खुराक बनाते हैं। ग्रिजली बेयर भी फल खाते हैं, लेकिन ये ज्यादातर मांस मछली ही खाना पसंद करते हैं। नंबर 2, सिल्वर बैक गोरिल्ला और ग्रिजली बेयर में ज्यादा आक्रामक कौन है? ग्रिजली बेयर काफी ज्यादा आक्रामक जानवर होते हैं और इसलिए अधिक खतरनाक भी होते हैं। हालांकि आमतौर पर इंसानों से तब तक बचते हैं जब तक उन्हें उकसाया या डराया नहीं जाता, जबकि सिल्वर बैक काफी शांत होते हैं जब तक कि वे अपने इलाके या अपने बच्चे की रक्षा नहीं कर रहे हैं। ग्रिजली बेयर अक्सर इंसानों पर हमला नहीं करते, लेकिन सिल्वर बैक की तुलना में इंसानों पर अधिक हमला करते हैं। नंबर 3, क्या ग्रिजली बेयर और सिल्वर बैक गोरिल्ला के पैर अलग अलग होते हैं? बिल्कुल, इनके पैर अलग होते हैं। जहाँ सिल्वर बैक गोरिल्ला के इंसानों की तरह दो पैर और दो हाथ होते हैं, वहीं ग्रिजली बेयर के चार पैर होते हैं, जिन्हें आप पंजे भी बोल सकते हैं। नंबर 4, क्या ग्रिजली बेयर भालू की सबसे खतरनाक प्रजाति है? ग्रिजली बेयर भालू की सबसे बड़ी प्रजाति नहीं है, ये टाइटल पोलर बेयर को दिया जाता है। लेकिन ग्रिजली बेयर भालू की सबसे खतरनाक प्रजाति जरूर है। अगर पोलर बेयर और ग्रिजली बेयर में लड़ाई हो तो पोलर बेयर भाग खड़ा होगा, जबकि ग्रिजली बेयर डटा रहेगा, क्योंकि ये ज्यादा गुस्सैल होते हैं, जो खाने के लिए एक दूसरे से लड़ते रहते हैं, और इनके पंजे इतने नुकीले होते हैं कि ये किसी भी जीव को ज्यादा से ज्यादा नुकसान पहुंचा सकते हैं। दोस्तों, इस वीडियो से हमें पता चला कि ग्रिजली बेयर सिल्वर बैक गोरिल्ला पर काफी भारी पड़ेगा, मतलब इस कंपैरिजन में ग्रिजली बेयर की जीत हुई। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक जरूर करें, और अगर आपको किन्हीं और जानवरों का कंपैरिजन देखना है तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि आप हमारे साथ ऐसी मजेदार भरी वीडियो में बने रहें। तो इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं, तब तक के लिए टाटा और गुड बाय।